कोई जल्दी नहीं है, बैठ जाओ आप लोग। राजू जी, ये लोग आपको भी बैठने देते हैं यहाँ पे? हाँ, अलाउड है आपको? सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा अद्वैत से। अद्वैत जो हैं ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं, और आकाश से, आकाश इज़ फ्रॉम जी स्टूडियो। सिट सिट सिट। तो आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, ज्योति यू कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि 2 साल के बाद आपकी फिल्म आती है। बसा हाँ, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि 2 साल के बाद मेरी फिल्म आती है, 3 साल के बाद आती है। तो अब फॉर अ चेंज विद इन 8 मंथ्स मेरी फिल्म आने वाली है। तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म हमें करने का मौका मिला है, एंड वी आर हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट दिस लिटिल वेंचर ऑफ आवर्स। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार, और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है। ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है, और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में। और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में एक दो आई? जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नजर आया था मैं, लेकिन ये लुक जो है ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझमें से कि लुक क्या होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? बहुत ही अलग रोल है मेरा, ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं ऐसा। वेल एज आई वॉज सेइंग, द स्टोरी इज एसेंशियली अबाउट दिस गर्ल, 14-year-old गर्ल एंड हर मदर एंड देयर रिलेशनशिप। सो the main story is about these two, but I am a very integral part of the film, a very important part of the film. And jaise maine kaha, jaise dal mein tadka hota hai na, dal mein dal puri patili dal banti hai, usme tadka jo dalte hain wo dal ke size ka nahi hota, lekin tadke ke bagair dal ka maza nahi aata. Actually mere liye school rahe hain, wo mere college rahe hain, wo mere film school rahe hain. Mera sapna tha ki main koi film school jaun, FTI mein kafi baar apply bhi kiya par reject hote gaya. और फिर 10 साल पहले मुझे आमिर सर के यहाँ नौकरी लगी एज एन इंटर्न, प्रोडक्शन इंटर्न तारे ज़मीं पर। तो 10 साल से मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्कूल जा रहा हूँ। आमिर सर मेरे लिए जीते जागते फिल्म स्कूल हैं। जब उनके साथ काम करता था तो एडिटिंग देखने को मिली, प्रोडक्शन देखने को मिला, मार्केटिंग देखने को मिली, वो कैसे परफॉर्म करते हैं देखने को मिला, वो कितनी मेहनत करते हैं देखने को मिला। तो गॉडफादर तो बहुत छोटी चीज़ है, और कुछ लोगों को गॉडफादर मिल जाता है इंडस्ट्री में, मुझे पूरा स्कूल मिला है, और एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट। तो ही इज़ एक्चुअली माई फिल्म स्कूल, ही इज़ माई फिल्म कॉलेज, ही इज़ माई एजुकेशन। तो इन सब स्क्रिप्ट्स के बाद में वो सुनते थे, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेते थे, और कहते थे कि आई वॉन्ट टू डू दिस। तो एक्चुअली द वे टू कन्विंस हिम इज स्क्रीन प्ले। तो मेरा यही ड्रीम था कि वो मेरी स्क्रिप्ट का नरेशन सुने और कहें कि उन्हें ये करना है। आजाद का असर मुझे अलग अलग तरीकों से हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली मुझे हर किस्म के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, और जब मुझे कहानी अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, फिर वो बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में हो, उस पर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। वॉट जॉनर आई एम डूइंग आई डोंट प्री डिसाइड कि मुझे बच्चों की फिल्म करनी है। आई जस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट विद ओपन माइंड, एंड इफ आई लाइक इट देन आई वॉन्ट टू डू इट। देखिए, आलसी होने से क्रिएटिव होता है वो पता नहीं, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आता है आलसी होने में। आपका पहला सवाल क्या था? टैक्स फ्री है? तो देखिए, यूपी में हमें बड़ी खुशी हुई सुन के कि टैक्स फ्री हो चुकी है हमारी फिल्म दंगल, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका पूरा जो फ़ायदा है टैक्स फ्री होने का, वो कंज्यूमर मतलब ऑडियंस को ही जाएगा। हमने सारे स्टेट्स में, मतलब कई स्टेट्स हैं जहाँ टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमने अप्लाई किया है, 10-12 स्टेट्स हैं शायद जहाँ डिज्नी ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने हर जगह अप्लाई किया है, जैसे यूपी में भी अप्लाई किया, हमने हर जगह अप्लाई किया है। और हमें उम्मीद है कि जब जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इस फिल्म को टैक्स फ्री हो पाएगी, और इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा, इसका फ़ायदा ऑडियंस को होगा कि वो ये फिल्म और सस्ते में देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ये हमें बड़ी खुशी होगी इससे। और आलसी का क्या सवाल था? मैं जवाब दूँ प्लीज़? सॉरी, हाँ अच्छा, इनको जवाब दे दीजिए। सॉरी, क्या मैंने 4-5 साल मैनेज किया तो कितने आलसी मुझे पता है। तो आप, वो एक आमिर जी का वीडियो है यूट्यूब पे, फिट टू फैट,
वो देख लीजिए, अगर आपको उसके बाद लगता है आलसी है फिर पूछना आप, क्योंकि वो वीडियो देख देख के मैं थक जाता हूँ यार, शर्म आती है, इतना मेहनत करता है आदमी। तो अगर आपको लगता है आलसी को, प्लीज़ वीडियो देख लीजिए आप। वो जैसे सूरज है मैं कुछ उनका शैडो हूँ। अभी आप लोगों के सामने बड़े तमीज से बात कर रहे हैं, इनकी असलियत आप लोगों को देखना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए। आमिर, सवाल है मेरा, लेकिन मैं अद्वैत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अद्वैत बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं और ये सही है कि वो मेरे साथ 10 सालों से साथ में हैं, और एक तरह से जो मेरी दो इंटर्न्स हैं इस वक्त, फातिमा और सानिया, मेरे पहले इंटर्न एक्चुअली अद्वैत रहे। ही इज़ बीन द पर्सन हु इज़ द ओरिजिनल इंटर्न जो मेरे साथ साथ में रहे हर कदम। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूँ, लेकिन हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है क्या नहीं लेता है। एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, आई फाउंड हिम टू बी वेरी ब्राइट वेरी इंटेलिजेंट, और अक्सर मैं अपने डिसीशंस में अद्वैत को शामिल करता हूँ, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ। तो ही इज़ वेरी ब्राइट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो आई थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ये उनकी पहली फिल्म बन रही है और इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ट्रस्ट और फेथ दोनों किरण और मुझे था इनमें, ही इज़ कम्प्लीटली स्टूड अप टू दैट। आमिर, हियर स्लाइटली टुवर्ड्स योर लेफ्ट, या देखिए मैं झूठ नहीं बताऊंगा आपसे, मेरी जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ा है। एक तो ये डीमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से उन लोगों को अफेक्ट करता है जो काला धन रखते हैं। मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है, मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूँ आज तक, तो मेरे पास काला धन एक रुपया भी नहीं है। सो डू यू थिंक दैट, तो मुझे कोई, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से। दूसरे हिसाब से जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है उसको खर्च करना है मुझे। जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक से मैं देता हूँ, तो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। आई फील सैड बट आई ऑल्सो फील कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि उनकी नीयत सही है, वो चाह रहे हैं कि देश को साफ सुथरा बनाएं, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा सीक्रेट सुपरस्टार, मतलब कोई मेरी जिंदगी में सुपरस्टार हो, फोटो चाहूंगा यार, एक सेल्फी ले लूंगा उसके साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।